दोस्तों आप सबका स्वागत है कमल्स फूड लैब में, जहाँ पर हम बनाते हैं हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपीज। दोस्तों गणेश उत्सव कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और हम सब अलग अलग तरह के प्रसाद बनाते हैं गणपति जी के आगमन की तैयारी में। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाले काजू गुलकंद मोदक। अंदर हम इसमें गुलकंद का स्टफिंग करेंगे और ऊपर का जो लेयर है वो काजू कतली के जैसा ही बनेगा, लेकिन बिल्कुल कम मेहनत से बनकर तैयार होगा। आपको यहाँ पर कोई भी चाशनी नहीं लेनी है और फटाफट ये बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक कप साबुत काजू लिए हैं, आप चाहें तो टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं। साथ में आधा कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क और रोज वाटर लिया है यहाँ पर मैंने। ये सिर्फ 1 टेबल स्पून हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो काजू है उसे मिक्सर में हम ग्राइंड कर लेंगे। ऑन ऑफ करते हुए ग्राइंड करें ताकि काजू का तेल छूट ना जाए। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल बारीक पाउडर करके हमें तैयार करना है काजू का। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं। और यहाँ पर स्टफिंग की तैयारी भी हम कर लेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून करीब गुलकंद ले रही हूँ और उसके साथ में हम मिला देंगे 8 से 10 काजू के एकदम बारीक बारीक टुकड़े करके। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये हमारा स्टफिंग एकदम तैयार है। अब एक नॉनस्टिक या एकदम हैवी बॉटम वाला पैन ले लें और उसे अभी गैस पर नहीं चढ़ाना है, पहले नीचे ही हम सब चीजों को मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है मेरा काजू का पाउडर और इसी के साथ मैं मिला दूंगी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से एक बहुत ही बढ़िया सी रिचनेस आती है दोस्तों इसमें। और 1/4 कप मैंने इसमें मिला दिया है कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क ना हो तो फिर आपको दूध और शक्कर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ रोज वाटर ताकि बहुत बढ़िया सा एक फ्लेवर आ जाए इसमें। हल्का सा नीचे ही इसे मिक्स कर लेंगे पहले। और अगर आप चाहें ना दोस्तों तो इसे आप नो कुक मेथड से भी बना सकते हैं। अगर आप इसे हाथ से अच्छी तरह से मसल लेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा, लेकिन मैं इसे थोड़ी सी देर खाली गैस पर कुक करूंगी। थोड़ी सी देर यानी सिर्फ 1 मिनट, बिल्कुल लो आंच रखनी है और 1 ही मिनट में ये पूरा जो मिक्स है एकदम बढ़िया इस तरह से आटे की तरह एक साथ आ जाएगा। ये देखिए एकदम बढ़िया कंबाइन हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल मेहनत नहीं लगी है ना, हमने कोई चाशनी की है और एकदम परफेक्ट हमारा जो मिक्स है वो बनकर तैयार हो गया है। अभी एक छोटी चम्मच में यहाँ पर घी डाल रही हूँ, थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी आ जाएगा, थोड़ी शाइन भी आ जाएगी इसमें। बस इसे मिक्स कर दिया है मैंने, गैस को मैंने 1 ही मिनट में बंद कर दिया था और इसे एक बाउल में निकाल लिया है। तो हमारी स्टफिंग और ऊपर का लेयर दोनों रेडी है। अब जब हल्का सा गुनगुना हो छूने लायक उसी वक्त हमें इसे शेप देना है। तो आप चाहें तो इस तरह के जो एल्यूमिनियम के मोल्ड मिलते हैं मोदक के वो यूज कर सकते हैं या इस तरह के प्लास्टिक के मोल्ड भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें स्टफिंग करना भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो सिर्फ ये जो काजू कतली का हमने मिक्स बनाया है उसके मोदक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मोल्ड को हल्का हल्का सा पहली बार हम घी लगा के ग्रीस कर लेंगे। आप चाहें तो तीनों तरफ फिलिंग भरकर भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ये वाला मेथड बहुत इजी लगता है जहाँ हम पीछे से स्टफिंग को भर देते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मिश्रण हम लेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे लंबाई में गोलाकार करेंगे और अंदर इसे भर देंगे। उसके बाद अंगूठे की मदद से चारों तरफ की दीवारों पर हमें इसे सेट कर देना है और बीच में एक खड्डा सा बना लेना है। ये देखिए पहले हमें नीचे की तरफ पुश करना है ताकि जो टिप है हमारे मोदक का वो एकदम परफेक्ट आ जाए। और उसके बाद इस तरह से नीचे तक मोदक के मोल्ड की दीवारों को मैंने कवर कर दिया है। सेंटर में ये जो गुलकंद और काजू वाला मिक्स है उसका गोला बनाकर हम डाल देंगे, ये देखिए। और अब जो नीचे बची हुई जगह है उसमें भी हमें काजू का मिश्रण सेट कर देना है। तो थोड़ा सा काजू का मिश्रण लेंगे और नीचे अच्छी तरह से इसे कवर कर देंगे, दबाकर अच्छी तरह से कवर करें दोस्तों, तो फिर मोदक का जो शेप है ना वो एकदम परफेक्ट आएगा आपका। ये देखिए मैंने अच्छे से दबाकर इसे सेट कर दिया है। अब मोल्ड को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। वाव, ये देखिए कितना प्यारा हमारा मोदक बनकर तैयार हुआ है, बनाया ना एकदम सुंदर। और ये जो साइड में थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको हम हल्का सा प्रेस करके और उसे एकदम परफेक्ट शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का प्रेस कर दें तो ये अपने आप शेप में आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम बाकी के मोदक भी बनाकर तैयार कर लेंगे। घर पर मोदक बनाना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। ये देखिए दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से आप तीनों तरफ जो कलियां हैं उसमें स्टफिंग करके भी बना सकते हैं। आपको अच्छी तरह से प्रेस करके काजू का जो मिश्रण है उसे सेट कर लेना है और फिर सेंटर में आप स्टफिंग रख दें और क्लोज कर लें। लेकिन मुझे तो ये वाला मेथड ही बहुत इजी लगता है, तो मैंने तो सारे मोदक इसी मेथड से बनाए हैं दोस्तों। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आप देख लीजिए अच्छी तरह से प्रेस करिए इसे
पहले टिप पर नीचे जाने दीजिए ताकि जो आपका टिप है वो एकदम बढ़िया सा शेप में आए। और ये देखिए इस तरह से एकदम खड्डा बना लें, उसमें डाल दें स्टफिंग, प्रेस कर दें स्टफिंग को अंदर। यहाँ पर आप मिक्स ड्राई फ्रूट्स का स्टफिंग भी कर सकते हैं। अच्छे तरह से बॉटम को भी कवर कर दिया है मैंने और ये देखिए एकदम सुंदर सा हमारा मोदक बनकर रेडी है। तो दोस्तों इस बार मार्केट से मोदक लाने की बजाय आप घर पर ही मोदक बनाकर बापा को धरें। मेरे चैनल पर बहुत सारे अलग अलग तरह के मोदक की रेसिपीज हैं, वो भी आप जरूर रेफर करें। और ये जो हमने मिश्रण बनाया था ना दोस्तों, उसमें से इस साइज के मेरे 11 मोदक बनकर तैयार हुए हैं। ये मीडियम साइज का सांचा है, अगर आप छोटे मोदक बनाएंगे तो ज्यादा बन जाएंगे। और ये देखिए एक मोदक मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कैसा लगता है। एकदम सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले ये मोदक बनकर तैयार होते हैं और बनाने में तो इतने इजी हैं कि बच्चे भी इसे बना लें। ये देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं ये मोदक। दोस्तों इस गणेश उत्सव में आप भी जरूर ट्राई करें ये एकदम स्वादिष्ट और सुंदर दिखने वाले काजू गुलकंद मोदक। और ऐसे ही और नए नए मोदक की रेसिपीज के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल बटन भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं नई रेसिपी अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।